हेलो गाइस, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक सही है। सो गाइस, फिर से आ गया हूं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो फेसबुक मैसेंजर से रिलेटेड है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक मैसेंजर पर अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को बस एक ही क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि यार इस पर भी एक वीडियोस बनाओ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है फेसबुक के ऊपर कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप फेसबुक के अपने सारे फ्रेंड्स को एक बार में ही डिलीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैसेंजर पर भी अपने कॉन्टैक्ट्स को एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन से आपको समझाऊंगा कैसे हम मैसेंजर पर अपने फ्रेंड्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने फेसबुक फ्रेंड्स या अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनको उनके साथ चैट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि फेसबुक के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली हमारे मैसेंजर पर भी ऐड हो जाते हैं। और फेसबुक पर अगर हमारे कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं तो मैसेंजर पर भी वो बहुत सारे आ जाते हैं। तो उनको एक साथ डिलीट करने की आपको ट्रिक आज मैं बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, फेसबुक मैसेंजर का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए चलते हैं फेसबुक मैसेंजर के पास। तो ये हमारा मैसेंजर का एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप मैसेंजर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो जिन लोगों के साथ आपने रिसेंट चैट किया है या मैसेज आए हैं वो सारे यहाँ पर दिखते हैं। तो अब आपको सारे जो मैसेंजर के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे आपको चैट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा और उसके बगल में आपको लोगो दिख रहा होगा अपना प्रोफाइल का। तो वहाँ पर सिंपल आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डाउन स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपल का। देखिए एसएमएस लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ऑप्शन है पीपल। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे, अपलोड कॉन्टैक्ट्स, मैनेज कॉन्टैक्ट्स एंड ब्लॉक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको चले जाना है, मैनेज कॉन्टैक्ट्स। तो मैनेज कॉन्टैक्ट्स पर आप जाएंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। देखिए लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स में और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है यू डोंट हैव एनी इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अब मैंने जो है कोई भी कॉन्टैक्ट इंपोर्ट नहीं किया है। तो इसके जस्ट ऊपर देखिए आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, सी कॉन्टैक्ट्स यू हैव अपलोडेड फ्रॉम फेसबुक। तो फेसबुक के जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो अब हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये देखिए फेसबुक से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो हमारे सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल 708 कॉन्टैक्ट्स हैं, 708 कॉन्टैक्ट्स मेरे हैं और उसके राइट साइड पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट ऑल। तो फिर से आपने यहाँ पर डिलीट ऑल पर क्लिक कर लेना है। डिलीट ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो कुछ आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, योर रिक्वेस्ट टू डिलीट ऑल अपलोडेड कॉन्टैक्ट्स इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड यू विल नोटिफाइड एज सून एज इट्स कंप्लीटेड। तो ये यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि जो हमारा रिक्वेस्ट है डिलीट करने के लिए कॉन्टैक्ट का, हमने जो रिक्वेस्ट किया है वो प्रोसेस्ड हो चुका है और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो इस तरह आप अपने मैसेंजर के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन ऑन किया हुआ है
तो आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो फिर से यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। आप डिलीट भी कर लेंगे तो फिर से आपके कॉन्टैक्ट्स जितने भी फेसबुक पर हैं वो वापस से आ जाएंगे। तो उसको कैसे बंद करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से बैक आ जाइए और जो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे थे, अपलोड कॉन्टैक्ट्स, मैनेज कॉन्टैक्ट्स और ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, तो उसमें जो पहला ऑप्शन है अपलोड कॉन्टैक्ट्स, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा फाइंड यूर फोन कॉन्टैक्ट्स ऑन मैसेंजर, तो यहाँ पर सिंपल इसको टर्न ऑफ कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर इसको ऑफ कर लेंगे ऑटोमेटिकली जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और जो फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपके यहाँ पर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने मैसेंजर पर सारे कॉन्टैक्ट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिली होगी। तो यार कैसा लगा वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया है तो यार वीडियो को एक लाइक किए हुए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर मैं आप सबके सामने आता रहता हूँ। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।